आगे बढ़ते हैं। यूपी एटीएस के महाराष्ट्र में छापेमारी है। 30 दिसंबर को संभाजी नगर में ये छापेमारी की थी। 11 घरों में यूपी एटीएस ने ये छापा मारा था। छापेमारी में मिला था उर्दू साहित्य। सद्दाम नाम के आईएसआई समर्थक ने पोस्ट किया था। 17 सितंबर को संभाजी नगर में ये बैठक हुई थी। 11 लोगों को एटीएस मुख्यालय बुलाया गया है। 15 से 18 जनवरी के बीच अब पूछताछ होगी। तो यूपी एटीएस की महाराष्ट्र में छापेमारी हुई थी, जिसमें 30 दिसंबर को संभाजी नगर में की थी। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, और क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि 15 से 18 जनवरी के बीच पूछताछ होगी, जाहिर सी बात है कई खुलासे हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने छापेमारी 30 दिसंबर को की थी और उसी के आधार पर अब 15 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में इन 11 लोगों को यूपी एटीएस ने लखनऊ एटीएस मुख्यालय पर बुलाया है। खास बात यह है कि जो इनकी आतंकी जो गतिविधियां थी, जिसमें ये लोग लगातार जो है सोशल मीडिया पर जो पोस्ट लिख रहे थे, उसको लेकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और अगर पूछताछ में ये मालूम चलता है कि ये लोग कुछ उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाने का प्लान कर रहे थे, तब इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो फिलहाल सभी को 15 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में बुलाया गया है। औरंगाबाद में ये पूरी छापेमारी की गई थी। 11 जो जगह है वहां पर छापेमारी की गई थी। इसके साथ साथ सवाजीत नगर है, वहां पर छत्रपति सवाजीत नगर, वहां पर भी जो छापेमारी की गई थी, वहां पर इन लोगों ने अलग अलग बैठकें की थी। तो इन सब चीजों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये जो एक बड़ी जानकारी जो है वो यूपी एटीएस के हाथ में लगी थी। यूपी एटीएस को यह मालूम चला था कि सोशल मीडिया के जरिए तमाम जो युवक हैं औरंगाबाद के, वो जो है आतंकवाद फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से एक आईएसआईएस समर्थक, कथित समर्थक बताया जा रहा था। तो इन सब चीजों को लेकर फिलहाल जो है यूपी एटीएस की जो सोशल मीडिया जो विंग थी, उसने इस तरह इनपुट दिया था, जिसके बाद यूपी एटीएस की टीम ने ये छापेमारी की थी। और अब फिलहाल इन सभी को जो है यूपी एटीएस मुख्यालय जो है बुलाया गया है। बहुत शुक्रिया विशाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।